Hey guys, what's up? कैसे आप सबको सारा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस जैसे आपको पता है कि हम काफ़ी टाइम बाद अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ब्लॉगिंग थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी जिससे आपको हमारे चैनल पर जरूर दिख रहा होगा। मतलब 10 दिन तक कंटिन्यू मेरी ऐसी तबीयत थी जिससे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। फाइनली मेरी इच्छा हुई कि चलो अब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और साढ़े छः हो रहे हैं। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ, जाना है हम लोग कनॉट पैलेस, सिटी अच्छी जगह है। तो यहाँ पे हमें रेडी हो गया है और अभी हो गए हैं, तो वो भी रेडी हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग निकलेंगे, आज घूम के आएंगे काफ़ी दिन बाद। मतलब कल ही गए थे, कल वाला ब्लॉग आ जाएगा जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगा। और आज भी जा रहे हैं तो फाइनली चले चलते हैं और वहाँ मिलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, वहाँ एक्सप्लोर करेंगे कि क्या कैसे सीन है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चलो ऐसे देखिए, हमारे चैनल का नाम है अनु लाइफ स्टाइल। प्लीज ज्यादा के जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे। ये नया बेल्ट है और ये देखिए अभी ये रेडी हो रहे हैं। मैं रेडी होके बैठ गई हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाती रेडी। अनबॉक्सिंग चल रही है आपके सामने, लेकिन बॉक्स नहीं है इसका, इसके ऊपर रख देते हैं। जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए। तो जल्दी जल्दी आपको हमारे चैनल का ये देखिए, हम आपको फिर से चैनल अपना दिखा देते हैं, अनु लाइफ स्टाइल। आई थिंक ऐसे सेल्फी में उल्टा दिख रहा होगा, प्लीज जल्दी जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब। उल्टा नहीं दिख रहा है, दिखाओ। नहीं, वो सेल्फी की वजह से थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ये गाइस, ये भी जो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं गाइस, क्योंकि अभी आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हमारे चैनल में, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए हमारी वीडियो चल रही है। तो अभी हम आएंगे, ये सब मेरे साथ, हाँ इतना मेरे हाथों में दम थोड़ी होगा, आपके हाथों में ज़्यादा दम होगा। ये देखिए यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, ये जल्दी जल्दी सूट पहन के रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा अलमीरा में होंगे। यार इतने सारे सॉक्स लाता हूँ तुम्हारे भरोसे, तो पता नहीं कहाँ गायब कर देती हूँ, एक सॉक्स नहीं। अब बताइए, मैं अब जैसे किसी के हस्बैंड बोलते हैं, मैं अब आपका सॉक्स भी चुराने लगी हूँ। चुराने की नहीं बोल रहा हूँ, तो अब ये इस तरह बोल रहे हैं। अब मैं कुछ काम ना अपने पे भी डिपेंड होना चाहिए इंसान। ठीक है, क्लास वाली नौकरी चलते हैं। कुछ काम ना इंसान को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, कुछ काम। और ये देखिए मेरे हैंड से पता नहीं क्या पानी। हमारे साथ रहोगे तो एकदम घूमते फिरते रहोगे। चलिए झूठ बोलते हैं, जाके अपने कैंटीन से लाए, वहाँ पे मिलता है। तो भी ये पानी भी लगा, अभी हम लोग मिल गए यहाँ से।
गाइस हमने अपने ओरिजिनल ऑडियो फिर से ऑफ कर दिया है और यहाँ पे एक मिनट में हमारी मेट्रो आने वाली है। लो जी फाइनली हमारी मेट्रो आ गई जिसका हमें इंतज़ार था। सो यहाँ पे बहुत फास्ट फास्ट मेट्रो आती है, बहुत फास्ट है मेट्रो, और मेट्रो में ट्रेवल करना सबसे अच्छा है। और अगर आप वैसे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है दिल्ली का, तो माहौल जो लोग दिल्ली में उन्हें बहुत अच्छे से ही पता रहता है। और रस भी है क्योंकि संडे है आज। तो आज का ब्लॉग कल आपको देखने को मिलेगा, कल तक शायद मैं सुबह तक ये ब्लॉग अपलोड कर दूँगी। तो अभी हम जा रहे हैं कनॉट पैलेस, यहाँ पे पहुँच चुके हैं ज़्यादा है, अभी हम लोग जाएंगे। बाहर साइड आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही होगी ना, ये देखिए रश ज़्यादा है इधर। तो गाइस हमने अगेन अपनी ओरिजिनल ऑडियो ऑफ कर दिया है, और पब्लिक प्लेस में सबसे ज़्यादा आपको यही प्रॉब्लम है कि आपकी आवाज़ कम और जो ज़्यादा शोर और ज़्यादा आता है फ़ोन में ज़्यादा कैप्चर होता है। तो फाइनली हम लोग कनॉट पैलेस आ चुके हैं और यहाँ हम विज़िट करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहती। वैसे इस एरिए में रश बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब दिल्ली के हर एक एरिए में रश रहता है, आप कहीं भी जाओगे इतना ही रश मिलेगा आपको। तो चलो ठीक है, रस की वजह से इंसान अपना एंजॉय थोड़ी छोड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग घूमेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और हमारे साथ एक पोपट भी हो गया, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ की प्राइस भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मतलब मैं जहाँ कमला नगर में विजिट की उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉस्टली है। तो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए, यहाँ पे आपको हर एक मेकअप और कपड़े और कॉस्मेटिक जितने भी आइटम हैं आपको मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे लेडीजों के फैशन कलेक्शन होते हैं, सबकी होते हैं, बट सबको ही पता है कि लड़कियाँ और लेडी बहुत ज़्यादा फैशन करती है इस सारी चीज़ से। मुझे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर पटरियों पे सबसे ज़्यादा लेडीजों के ही चीज़ मिलते हैं आपको। तो जैसे आप हैंड बैग वगैरह और लिपस्टिक वगैरह कुछ भी मेकअप का प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहीं बाहर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पब्लिक प्लेस में आप अपने चीज़ों की स्वयं सिक्योरिटी कर सकते हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहता है। और तो चलिए विज़िट कराते रहेंगे आपको ऐसे ही, और आप भी घर बैठे मज़े लीजिए, हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हमारे मार्केट आपको एक्सप्लोर कराते रहेंगे जा जा के। तो पतिदेव जी चल रहे हैं हमारे साथ, अच्छा लग रहा है इनको, और मैं तो वीडियोस बनाने में लगी हुई हूँ। और यहाँ पे एक डांस म्यूजिक भी चलता है, शायद वो आज हम लोग को नहीं दिखा, नहीं तो हम आप लोग को ज़रूर दिखाते, फिर किसी वीडियो में हम आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। काफ़ी अच्छा म्यूजिक चलता है यहाँ पे, लोग आते हैं देखते हैं। कहीं चल के कुछ खाते पीते हैं, वाइल्ड ड्रॉप यहाँ चले देखें क्या खरीदेंगे, मेरे लिए कुछ दिला रहे हैं क्या? आप बस ढेर सारी यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग अपनी कार में सामने रखने के लिए फ्रंट में ये देख रहे थे, बट हम इनसे बोल रहे थे कि किसी भगवान का मिल जाता तो सही रहता, पर ठीक है अच्छा लगा तो हम लोग इसको रख लेंगे। और शायद तो 500 या 600 का वन पीस दे रहे थे, अब आप खुद ही देख लो कितना ज़्यादा रश है, एक एक छोटी छोटी शॉप पर इतना ज़्यादा रश है, दिल्ली है रश तो रहता ही। एनीवे आप अपना इंजॉय करना मत छोड़ो, प्रॉपर मास्क पहनिए, और कोरोना का भी टाइम चल रहा है। हम लोग ऐसे घूम रहे हैं देखते देखते अच्छी अच्छी चीज़ें, और हमने प्रॉपर मास्क पहना हुआ है, इन्होंने मास्क अपना हटा दिया है, कुछ होगा इतनी रश है, लेकिन
हे गाइस, तो कल हमें आने में थोड़ा सा ओवरनाइट हो गया था, इसलिए हमने अपना ब्लॉग नहीं शूट कर पाया। आजकल हमें थोड़ा सा ज़्यादा ओवरनाइट हो रहा है बिकॉज़ हम लोग लेट नाइट निकलते ही हैं घूमने के लिए। तो एक्चुअली हमारे साथ कल एक पोपट हो गया कि यहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड के बीच में ये बात हुई थी कि मैं अपने हैंड्स पे टैटू करवाऊँगी, उनका नेम अपने हैंड्स पे करवाऊँगी। तो क्या हुआ, मैं यहाँ से तो बहुत एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस के साथ जा रही थी कि नहीं मैं करवा ही लूँगी। फिर जैसे हम लोग सीपी गए, वहाँ पे टैटू शॉप होता है, तो वहाँ गए तो एक दो लड़की, दो चार लड़के अपने हैंड्स पे करवा रहे थे। तो मतलब अजीब सा, मतलब इतना ज़्यादा उनके हैंड पे सूजन और शायद उनको पेन भी हो रहा होगा, तो भाई मैं ये देख के तो बहुत ज़्यादा डर गई। तो मैं तब भी कॉन्फिडेंस में थी कि मैं करवा ही लूँगी, लेकिन एक दो ऐसे थे कि उनका पूरा हैंड्स बहुत ज़्यादा सूजन आ गया था। तो फिर भाई मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस वहीं देख के एकदम लो होने लगा कि भाई मेरे से ना हो पाएगा। तो फिर मैं आ गई बाहर, ये बोले कि कुछ नहीं होता है, मैंने बोला नहीं। इन्होंने अपने हैंड्स पे शायद ओम लिखवाया होगा, आप लोगों ने वीडियोज में ज़रूर देखा होगा। तो यही पोपट हो गया मेरे साथ कि मैं यहाँ से कॉन्फिडेंस के साथ चली थी कि नहीं 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 हो पाएगा। पर गाइस सच बताऊँ तो मैं एग्जेक्शन से भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मतलब दर्द सबको ही होता है, पेन होता है सबको, पर किसी के अंदर कैपेसिटी होती है पेन थोड़ा एडजस्ट करने की, बट मेरे अंदर नहीं है। तो मैं वहाँ से चली आई, मतलब मैं करवाऊँगी। मतलब जब मैं रूम पे रहती हूँ, घर पे रहती हूँ, तो फिर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं 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 मैं करवा सकती हूँ। लेकिन जैसे मैं वहाँ जाती हूँ, मैं किसी और का देख के, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ रिकमेंड करिएगा कि कितना पेन होता है जिन जिन लोगों ने टैटू करवाया अपने हैंड्स पे। तो मतलब दूसरों का देखती हूँ तो अच्छा लगता है कि भाई मैं भी करवा लूँ, बट शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। जैसे मैं वहाँ जाती हूँ, मेरा एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, इसलिए मैं कोई एजेक्शन भी बहुत अच्छे से नहीं लगवा पाती, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ, एक दो लोग को पकड़ना पड़ता है। तो यही पोपट हो गया मेरे साथ। तो गाइस आज का ब्लॉग यही करते, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मैं टैटू करवाऊँगी अपने हैंड्स पे, कब करवाऊँगी ये नहीं पता, पर जब भी करवाऊँगी तो अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आजकल के ब्लॉग काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, तो जो लोग हमारे ब्लॉग से इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।